ये तस्वीरें हैं चमोली जिले की, जहां दलित परिवारों का हुजूम न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गया है। ये प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल जोशीमठ के सुभाई गांव में रहने वाले दलित परिवार प्रशासन से न्याय न मिलने पर आंदोलन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी मामला क्या कुछ था आपको हम बता देते हैं। दरअसल कुछ समय पहले सुभाई गांव में वैशाखी के पर्व पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में ढोल वादक युवक तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाया, जिसको लेकर अन्य जाति के लोगों ने ढोल वादक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। साथ ही गांव में रह रहे अन्य दलित परिवारों के लोगों को अपनी दुकानों से किसी भी तरह का कोई सामान न देने और सार्वजनिक वाहनों में न बैठाने का फरमान जारी कर दिया था, जिसको लेकर जमकर विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन दोषियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते दलित परिवारों में आक्रोश बढ़ गया है, जिसको लेकर अब सभी आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन भेज दिया गया है। वहीं शिल्पकार सभा के अध्यक्ष का कहना है कि घटना को हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर सभी अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। ये संघर्ष हमारा जो है, ये आक्रोश रैली है। ये आक्रोश रैली 12-13 जुलाई को जो घटना सुभाई और चांचड़ी गांव में वहां के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो वहां के दबंग और सवर्ण लोग हैं उनके द्वारा जो है जो अन्यायपूर्ण, अवैधानिक और जिस प्रकार से जो है एक उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले प्रस्ताव को पास किया और तत्कालीन जो है उनके विरुद्ध जो है FIR दर्ज भी हुई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जबकि 1 माह का समय बीतने वाला है और अभी तक इसमें जो है किसी प्रकार की गिरफ्तारी, जबकि SC ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो है तुरंत गिरफ्तारी होने की व्यवस्था है, लेकिन जिला प्रशासन पता नहीं क्यों इस प्रकार की हीरा हवाली करता है कि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इसी से पूरा जनपद के अनुसूचित जाति के लोग जो हैं आक्रोश में हैं और बहुत ही आंदोलित हैं। उन्हीं के दबाव में यहां पर जनपद चमोली के विभिन्न संगठनों, शिल्पकार सभा, वैचारिक महासभा, मूल निवासी संघ, तमाम कर्मचारियों के संगठनों ने जो है उनके दबाव में जो है हम मजबूर होकर के इस आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सुभाई और चांचड़ी के जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। दलित परिवारों का कहना है कि ये आंदोलन उन्हें न्याय मिलने तक जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से कब तक कार्रवाई की जाती है और कब तक इन परिवारों को न्याय मिल पाता है। चमोली से कमल लैन की रिपोर्ट।